व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज हम देखने वाले हैं मेजर गौरव सर ने क्या कहा है महिंद्रा अरमाडो को लेकर, और साथ ही साथ डोवाल सर ने जो सुभाष चंद्र बोस पर कहा उसके ऊपर मेजर गौरव सर की क्या राय है। देखते हैं, वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। चैनल पर है तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। ये किस्म की आर्मर्ड गाड़ी है ये, लेकिन टैंक से आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा। इसके अंदर टायर्स लगे हैं, लेकिन ड्राइवर के अलावा 5 लोग अंदर बैठ सकते हैं। ये गाड़ी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, रेड्स, ओपन एरिया जैसे स्पेशल फोर्सेस हैं, स्पेशल फोर्सेस भी इनको इस्तेमाल कर सकती हैं, क्विक रिएक्शन टीम्स इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, वगैरह वगैरह, बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए और कुछ वेपन कैरिंग के लिए, कुछ क्रिटिकल लोड्स हैं उनको कैरी करने के लिए ये व्हीकल काम में आएगी। ये जो गाड़ी है इसके अंदर B7 लेवल, स्टैनैग लेवल 2 का प्रोटेक्शन है कि बुलेट प्रूफिंग है, जिसका यह मतलब है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्मर पियर्सिंग राइफल्स, एपी राउंड्स आपने देखा होगा कश्मीर वैली में बड़े हैं, AK-47 के आर्मर पियर्सिंग राउंड, स्टील कोर जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भेद के चला जाता है और लोगों की जान चली जाती है, फौजियों की जान चली जाती है, उसका भी रेसिस्टेंट है। तो आपके लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल्स होंगे उसका भी रेसिस्टेंट होगा, मशीन गन फायर का रेसिस्टेंट होगा। तो इसका मतलब जो अंदर क्रू है एकदम बिल्कुल सेफ रहेगा दोस्तों, सिक्योर रहे। इसके अलावा इसको, ये ASLV जो है ये, इसको हर तरीके से आगे से पीछे से और साइड से बैलिस्टिक्स एंड एक्सप्लोजिव, यानी कि अगर कोई माइन फटती है, कोई IED फटता है, उससे भी इनका बीज बचाव क्या बात है होगा जो अंदर लोग बैठे हैं, दे विल बी एब्सोल्युटली सेफ। और 3.2 लीटर का मल्टी फ्यूल डीजल इंजन है जो कि 206 हॉर्स पावर जनरेट करता है, 6-speed ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स है और 4x4 का सिस्टम है, ये 12 सेकंड लेती है। अच्छा, काफी भारी गाड़ी है, समझिए इतना आर्मर वार्मर उसमें बुलेट प्रूफिंग लगी हुई है, जाहिर सी बात है बहुत भारी गाड़ी है ये। ये 12 सेकंड में 0 से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है, यानी कि 12 सेकंड में ये 0 से लेकर 160 किलोमीटर पर आवर, मैं हैट्स ऑफ कहता हूं, ये बहुत तगड़ी बात है यार। इतनी भारी गाड़ी आपने देखा होगा 0 to 3, 0 to 4 में फरारी पहुंच रही है 100 तक, ये 160 तक पहुंच रही है लेकिन 12 सेकंड में, क्योंकि गाड़ी इतनी भारी है, इट्स सच अ हेवी व्हीकल, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ लाइट आर्मर्ड थिंग। तो जाहिर सी बात है मैं इसलिए भी जरा खुश हूं क्योंकि दोस्तों ये ना आत्मनिर्भर भारत में धीरे 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 धीरे, अभी हमने सुना था ना अमेरिका हमवीज बना रहा है, ये बना रहा है, वो बना रहा है, ऐसे अमेरिका की ये गाड़ी और अमेरिका ने ये कर दिया, ऐसा कर दिया, लेकिन अब ये पता लग रहा है कि भारत भी सेम क्वालिटी की नहीं है, बना सकता है, बिल्कुल बेहतर बना सकता है, सस्ती बना सकता है, ज्यादा कारगर बना सकता है। सो ऑल द बेस्ट एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द महिंद्रा ग्रुप, बढ़िया काम करा आप लोगों ने। अभी गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है इंडियन आर्मी बताएगी बात, लेकिन फिलहाल के लिए आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा जी, अब दोस्तों हम नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों दूसरी ये खबर है कि NSA अजीत डोवाल साहब का एक स्टेटमेंट आया सुभाष चंद्र बोस जी को लेके, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये बोला है कि साहब अगर नेताजी जिंदा होते, जीवित होते, या नेताजी उस समय वहां पे होते सामने, तो भारत का बंटवारा नहीं होता, ही हैड द ऑडेसिटी टू चैलेंज गांधी। एक ही दो लोग थे जो गांधी जी की आंखों में आंखें डाल के बोल सकते थे कि गांधी जी ये मामला गलत है बॉस, ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट ओके, राइट। उनमें से एक सुभाष चंद्र बोस थे, ही कॉन्स्टेंटली चैलेंज्ड गांधी। मैं बताता हूं आपको कारण, ये हमें ये सब ना, मैं 2 मिनट लूंगा दोस्तों, ये खबर इंपॉर्टेंट है, एक तो NSA साहब ने बोली और मैं भी इसमें विश्वास करता हूं बहुत। हमें ये बताया गया है कि हम लोग अहिंसा में विश्वास करें, ठीक है, हमें ये बताया गया है कि जो भारत के लोग हैं वो अहिंसा प्रेम, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये एक छलावा है, ये पूरा अहिंसा वहिंसा का पूरा एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये बहुत बड़ा गेम है, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसा कहते हैं ना कि आपको असहाय बना दिया गया, ये आपके दिमाग में डाल डूल के आपके एजुकेशन सिस्टम से, कि बात आप तो अहिंसावादी हैं, अहिंसावादी हैं, जो हिंसा की बात करेगा वो बुरा है, बुरा है। फौज क्या करती है इंडियन आर्मी दुश्मनों के साथ, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये क्या, ये हिंसा ही तो करते हैं हम लोग दुश्मनों के खिलाफ, बंद कर दो फिर फौज को, अहिंसा प्रेमी हो तो इतना भाई साहब, भय बिन होए ना प्रीत, सिंपल सा फंडा होना चाहिए, दुश्मन आए ठोक दो, और ना भी आए फिर ठोक दो, वो तुम्हारा दुश्मन है। मैं आपको छोटा सा बात बताता हूं, 1000 साल से 1500 साल के बीच में चोलास का राज रहा, जो तमिलनाडु की बहुत बड़ी डायनेस्टी थी, कहां कहां नहीं गए यार, वो चाइना पहुंच गए, कंबोडिया पहुंच गए, इंडोनेशिया, पता नहीं कहां कहां नहीं गए चोलास, उनका राज दुनिया भर चोल साम्राज्य का लोहा मानती है। महाराजा रंजीत सिंह, काबुल खड़का दिया था महाराजा रणजीत सिंह ने, खालसा फौज का जो झंडा था, खालसा फौज का झंडा काबुल पे लहरा रहा था, ठीक है। अब आप दूसरे को देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहां से पकड़ लिया औरंगजेब को, यहां से सांस बंद हो गई थी बुड्ढे की,
ठीक है, डोगरा साम्राज्य जो जम्वाल डायनेस्टी है, डोगरा साम्राज्य जम्मू का, वो तिब्बत तक पहुंच गए। और ऐसी कई सारी चीजें हैं, आप जाएं, आप थाईलैंड जाएंगे, आप कंबोडिया जाएंगे, आपको दिखेगा वहां पे इंडियन कल्चर। चोल साम्राज्य श्रीलंका, ये पूरा एरिया इनका था। फिर दोस्तों अगर हम बात करें असम की, तो लचित बोरफुकन, लचित बोरफुकन ने मुगल साम्राज्य के घुटने तोड़ दिए थे। हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबके हाथ में हथियार है, ठीक है। हाँ। आपने देखे देवी देवता जिनके हाथ में हथियार ना हो, फिर ये कहते हैं कि अहिंसा, ये हमें सिखा, ये पता है फ्रॉड हमें सिखाया गया है, अहिंसा अहिंसा, कोई अहिंसा अहिंसा नहीं होती, हिंसा ही परमो धर्म है, हिंसा से ही लोग मानते हैं, वायलेंस इज समथिंग दैट पीपल रिस्पेक्ट। हाँ, बट एक बात है, कमजोर पे वायलेंस, कमजोर पे जो असहाय है उस पे वायलेंस ना हो, उस पे जोर आजमाइश ना हो, लेकिन जब देशों की बात होती है डेफिनेटली वायलेंस शुड बी द आंसर। तो ये आप अहिंसावादी, ये सब ये झूठ है, फ्रॉड, आई डोंट बिलीव इन दिस, मैं खुल के बोल रहा हूँ। और मुझे पता है काफी लोग मुझे ट्रोल रोल कर, मुझे कोई 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, भागो यहाँ से, हट, आई डोंट केयर। ठीक है, डोवाल साहब ने बोला, बिल्कुल ठीक बोला, मैं बता रहा हूँ आज की तारीख में हम लोग भूल गए हैं अपने जो हीरोज हैं ना, हम लोग हीरोज, मैं बार बार ये बात कहता हूँ दोस्तों, और बार बार मैं चाहता हूँ जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, आप उनको भी सिखाना, ठीक है। हम लोग ये अहिंसा के चक्कर में हमारे हाथ पैर काट दिए गए, हमें बोला कि नहीं तुम, यार एक बात बताओ, हम लोग भूल गए हमारे हीरोज कौन हैं, ठीक है, हम महाराणा प्रताप को भूल गए आज की तारीख में, वी आर गिल्टी यार, हम लोग गिल्टी हैं, ये गलती हमारी है, ये किसी बाहर कोई साजिश नहीं है, ये हम लोगों की गलती है, हम महाराणा प्रताप को भूल गए। आप पूछो बच्चों से, उनको नहीं पता होगा, वी आर फॉरगॉटन महाराणा प्रताप, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को भूल गए हैं, वी आर फॉरगॉटन, ठीक है, महाराष्ट्र में उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, गोवा में कई जगह है जहां पर उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री वी आर फॉरगॉटन। आप किसी बच्चे से पूछो लचित बोरफुकन कौन है, उसको पता ही नहीं, उसने नाम ही नहीं पता उसका, इतना बड़ा इंडिया का हीरो, इतना बड़ा इंडिया का हीरो लचित बोरफुकन, नाम ही नहीं सुना, हु इज गिल्टी, किसकी किसकी गलती है, ये हमारी गलती है, राइट। आप गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिन्होंने औरंगजेब की फौजों को बैटल ऑफ चमकौर साहिब में खड़काया था, जिन्होंने जफरनामा लिखा, हम भूल गए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, हमारे सिख भाई बहन याद करते हैं, लेकिन भाई वो सिर्फ सिखों के गुरु नहीं है, वो हमारे भी गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इज नॉट जस्ट द गुरुज ऑफ द सिख्स, ही इज द गुरु ऑफ ऑल इंडियंस, हम भूल गए उनको। हमें ये बोल दिया कि यार तुम तो ना ये तुम इन चक्रों में पड़ो ही मत, ये लड़ाई झगड़े के चक्र में, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्यों तलवार उठाई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्यों तलवार उठाई थी, इतना मजबूर कर दिया उनको, इतना जुल्म ढाया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पहले सिखों ने कभी तलवार नहीं उठाई थी, उन्होंने लड़ाई झगड़े की बात नहीं करी थी, इतना मजबूर करा, इतना दीवार से लगाया कि तलवार उठानी पड़ी। ऑल मोड्स ऑफ रिड्रेसिंग अ रॉन्ग हैविंग फेल्ड, रेजिंग ऑफ द सॉर्ड इज पायस एंड जस्ट, उठाओ तलवार, लड़ो अपने हक के लिए, आपने मजबूर करा, तब खालसा पंथ बना, ठीक है, खुशी से कोई तलवार नहीं उठाता। छत्रपति शिवाजी महाराज, औरंगजेब ने इतना जुल्म करा तभी जन्म हुआ छत्रपति शिवाजी का, इतना जुल्म करा, तब उन्होंने बोला मैं इसको बताता हूँ, ये बहुत ना मुगल जो है औकात से बाहर निकल रहा है, जरा खड़काता हूँ इनकी खिड़कियाँ, ये बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये आप लोगों को यही बात डोवाल साहब कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने हीरोज को नहीं भूलना चाहिए, बंटवारा नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये आपको झूठ बोला गया, ये अहिंसा अहिंसा, ये फलाना डिमका, और मैं आगे नहीं बोलना चाहता, लोग, मैं आई गेट वेरी अपसेट व्हेन आई हियर ऑल दिस अहिंसा नॉनसेंस, ना मैं बहुत अपसेट हो जाता हूँ, देन आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट पीपल्स फीलिंग्स, बट हद होती है यार। जय हिंद दोस्तों, भाई ये चीज़ तो हमें अपने हीरोज को कभी नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने मतलब कि क्या सेक्रीफाइस किया, चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सब ने अपना पार्ट प्ले किया, और आज हम इस यहाँ पर बैठे हैं आज़ाद हुए, तो बहुत बड़ा मेजर रोल रहा है उनका और सबका ही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो कि हैट्स ऑफ टू इंडिया एंड इट्स कंपनीज की वो इतना बढ़ चढ़ कर इनोवेशन तरीके से डेवलप कर रही हैं चीज़ें, चाहे अब महिंद्रा ने बनाई आर्माडो बनाई है, जिसकी खासियत आप देख सकते हो, मतलब कि एंटी टैंक माइंस जो होते हैं उनसे भी कुछ नहीं होगा, और जो बैठा है वो सेफ है, 12 सेकंड में 160 किलोमीटर की स्पीड, भाई साहब, और इतने हैवी व्हीकल होने के बाद बुलेट प्रूफ जैकेट को भी जो गोलियां कई बार वो छन्नी कर देती हैं उन, इसको कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा। ऑटोमेटिक गाड़ी बनाई है, 4x4 बनाई है, अभी देखो तो लोग कहते हैं अमेरिका यहाँ कर दिए करता है, अरे भैया वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका बोलेगा भैया तुम तो हमसे भी पहले बनाने लग गए चीज़ें, आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत हो चुकी है। और ये तभी होता है जब आपके लीडर्स, आपकी गवर्नमेंट, आपका जो पूरी सेनाएं हैं मिलकर डिसीजन लेती हैं और मिलकर काम करती हैं, और एक जो विजन होता है कि
हमें डिपेंड नहीं होना किसी पर यार, ऐसा वक्त भी आ सकता है कि जो आपका आज दोस्त है दुश्मन बन जाए, तब आप क्या करोगे, तब उनसे उनसे हथियार ले लोगे, नहीं देगा ना कोई भी। वो ये कि अच्छे जब तक आपको दोस्त है तब तक आपकी मदद कर देगा, एक बार लड़ लो आप और मांग लो उससे 10 रुपये, जहाँ जो आपको 100 देता हो वो 10 रुपये भी ना दे आपको, वही वाली बात है यार। इसलिए कहा जाता है कि आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, कि आपको किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में क्या है जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे कबड्डी के साथ, बाय, टेक केयर।